अब फटाफट बात कर लेते हैं आज के मुकाबले की। जी हाँ, टूर्नामेंट में आज जो मुकाबला होना है उसमें आमने सामने होंगे टेबल टॉप राजस्थान और सातवें पायदान पर खड़ी गुजरात की टीम। जी, ऐसी टीम जिसने बहुत शानदार खेल दिखाया है। आपको बताएं कि 4 मुकाबले खेले हैं राजस्थान ने और 4 में जीत हासिल की है और जीत के सहारे टीम टेबल टॉप पर है 8 पॉइंट्स के साथ। दोनों टीमों की अगर हम बात करें आमने सामने मुकाबले की, तो 5 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें से 4 मुकाबले गुजरात ने जीते हैं और 1 मुकाबला राजस्थान के नाम रहा है। यानी कि आमने सामने की टक्कर में राजस्थान की टीम भले ही भारी पड़े, लेकिन जो मौजूदा टूर्नामेंट है उसमें अगर हम बात करें मुकाबले की, तो इस सीजन में लगातार 4 मैचे जीते हैं राजस्थान ने, वहीं गुजरात की टीम को 5 में से 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। तो ये है पूरा लेखा जोखा जो आंकड़े बताते हैं। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा राजेश चौहान जी का। राजेश जी, इन दोनों के मुकाबले आमने सामने आपने देखे, आपकी नजर में आज कौन सी टीम किस पर भारी पड़ सकती है? देखिए, अगर आंकड़ों से देखें तो राजस्थान रॉयल जो है उनका पलड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन क्या है, गुजरात को लैब में आना जरूरी है। वो एक ऐसी टीम है जो कभी भी, बड़ी टीम है, कभी भी आ सकती है। एक अच्छे कप्तान शुभम गिल के अंडर में है और उम्मीद करता हूं कि वो आएंगे। लेकिन आज मैं सिर्फ ये देखना चाहूंगा यशस्वी जायसवाल, जो मेरे लिए एक डर का विषय बना हुआ है पिछले 3-4 मैचों से, उन्होंने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन मैं चाहता हूं वो फॉर्म में आ जाए क्योंकि वो हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है वर्ल्ड कप के। चलिए, वैशाली का मैं यहां पर रुख करना चाहूंगा। वैशाली, गुजरात की टीम जिसने पिछले सीजन में सबकी वाहवाही बटोरी थी, सबको हैरान कर दिया था कि नई टीम आई और आती धमाका कर दिया, लेकिन ये टीम इस बार लय नहीं पकड़ पा रही, क्या वजह आप देखती हैं? पहले तो बैट्समैन अगर स्कोर करेंगे आज के मैच में तो डेफिनेटली जीतेगी। और अगर मैं बात, सर ने जैसे अभी बोला कि यशस्वी जायसवाल परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो सामने वाली टीम जरूर कोशिश करेगी कि वो आज भी परफॉर्म ना कर पाए। और अगर बात करें टॉस की, तो टॉस पे अगर जो भी टीम अगर रिकॉर्ड में जैसे कि देखा गया है कि उनके जो बॉलर्स हैं, जीटी के जो बॉलर्स हैं, उनको अपना अपने आप को बचाकर पावर प्ले में 6 ओवर्स के लिए अपनी बॉलिंग अपने बॉलर बैटिंग के हिसाब से करनी पड़ेगी, क्योंकि आरआर के जो बैट्समैन ओपनर्स वो कोशिश करेंगे कि जितने वो उसको अपने रन लूट सकते हैं उतना वो लूटने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, हम सीधे शांतनु का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। शांतनु, अगर बात करें आपके नजरिए की, तो आज के मुकाबले में दोनों टीमों में क्या एक्सपेक्टर आप देख रहे हैं? देखिए, मैं राजस्थान रॉयल्स को का पलड़ा भारी मानता हूँ इस मैच में। हालांकि आपने एक्सपेक्टर की बात करी, तो मैं जैसा राजेश सर ने बोला, मैं भी चाहूंगा कि एक बार यशस्वी जायसवाल फॉर्म में आ जाए। पिछले मैच में हमने देखा जॉस बटलर आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन 100 मार के वो अपने फॉर्म वापस आ गया है उनका। तो यशस्वी एक बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो आने वाले मैचेस में, स्पेशली इस मैच में, हो सकता है वो परफॉर्म करें। घर पे खेल रहे हैं, जयपुर में मैच है। जहां तक गुजरात की बात है, कंप्लीटली उनका बैटिंग ऑर्डर शुभमन गिल के अलावा कोई चल ही नहीं रहा है। उसमें मिडिल ऑर्डर में काफी दिक्कतें हैं। डेविड मिलर नहीं है टीम में, चोटिल हैं। विजय शंकर का फॉर्म नहीं लग रहा है। रिद्धिमान साहा की इंजरी का कोई अभी अपडेट नहीं है, तो काफी सारी दिक्कतें हैं उनके साइड में। तो इस वजह से मैं मानता हूं कि राजस्थान रॉयल्स इस मैच में दे स्टार्ट फेवरेट्स। बहुत बहुत शुक्रिया शांतनु आपका, साथ ही हम शुक्रिया अदा करेंगे राजेश सर का, और वैशाली आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर बात करने के।